हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर अकेडमी। आज हम लोग 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम एंड रिजल्ट का एक लिंक दिया होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग रजिस्टर कर क्विज सेक्शन में जाकर RRB NTPC का फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना भी शिफ्ट हुआ है उसका क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक दिन का लगभग 2 शिफ्ट का 75 क्वेश्चन हम लोग अपडेट करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा 28 दिसंबर से लेकर अब तक का, तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन आ रहा है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम एंड रिजल्ट का ऐप। चलिए देखते हैं अब आज का क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो IMF है, IMF में कितने मेंबर हैं, कंट्री के कितने कंट्रीज मेंबर है उसमें। तो उसका आंसर हो जाएगा 189। और IMF से रिलेटेड और भी कुछ देख लीजिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो Washington DC में पड़ता है, और ये लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो रिपीटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुआ है और कहां पर हुआ है। तो ये हुआ है 1600 में, और सूरत में सबसे पहला कंपनी स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला डायनासोरस का बोन मिला है, हड्डी मिला है, वो डेनियल नेशनल पार्क में मिला है, वो है कहां पर। तो ये है अलास्का, नॉर्थ अमेरिका। ये 2016 का क्वेश्चन था करेंट का, और इस बार पूछ लिया गया है। मैक्सिमम टाइम जोन कंट्री पूछा गया, तो मैक्सिमम टाइम जोन जो है वो फ्रांस का है। पहले रसिया का था, रसिया में 11 टाइम जोन है और फ्रांस में 12 टाइम जोन हो चुका है, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति डिजाइन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पद्म भूषण से नवाजे गए हैं पिछले साल ही, इनका नाम है रामभी सूत्र, ठीक है। तो रामभी सूत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, खिलाफत मूवमेंट से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है, मगर खिलाफत मूवमेंट से एक क्वेश्चन आया था, तो बहुत या तो खिलाफत मूवमेंट का डेट पूछा होगा, तो 1919 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो ये पूछा होगा कि उसमें कौन से लीडर से संबंधित पूछा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉमेंट सेशन में लिख के बताइएगा कि खिलाफत मूवमेंट से क्या क्वेश्चन आया था। खिलाफत मूवमेंट का दूसरा नाम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग कब फॉर्म्ड हुआ था, ये पूछा गया था। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड हुआ, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। और इसका दूसरा नाम है मुस्लिम लीग, जो कि ढाका में फॉर्म हुआ था। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग का फाउंडेशन के साथ डेट और आपको कहाँ पर हुआ है वो भी ध्यान रखना है। तो ढाका बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डेट पूछा गया होगा तो 30 दिसंबर 1906 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर 12 लड़का और उनके कोच जो थे वो एक गुफा में फंस गए थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, जो कि 2016 का करेंट अफेयर था उस समय का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पर फाउंड होता है, सबको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो उसके लिए फेमस है, तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का टेन्योर पूछा गया है, तो 6 साल का होता है, 6 साल के बाद उनको चेंज किया था, 2/3 मेंबर चेंज होते हैं हर साल। स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट इसरो का पूछा गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में लिख के भेजिएगा, हमको नहीं मिला है। 2010 का एक्सल का टोटल कॉलम पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेड क्वार्टर ऑफ ADB का पूछा गया, तो फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनाला फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो 1 जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्लानिंग कमीशन था उसको खत्म किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो वो खत्म हुआ था, उसके बाद नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बचा हुआ रहता है वो हम लोग ऐप में जरूर प्रोवाइड कराते हैं 70 क्वेश्चन के करीब में, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सेकेंड शिफ्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।